अजब गजब लव एक रोमांटिक कॉमेडी है। इस फिल्म में राजवीर ग्रेवाल हैं, जैकी भगनानी, हु इज द सन ऑफ अ वेरी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट फादर। वो अपने पिता, मदर, भैया, भाभी, नीस और एक मैटर्नल कजन के साथ रहते हैं और फैमिली के सारे लोग राजवीर से बहुत प्यार करते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है और उन्होंने एक प्रोटोटाइप कार का प्रोटोटाइप बनाया है एंड ही एम्स टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, जहां पर उस किस्म की कारें जिसे वो ड्रीम कार के नाम से बुलाते हैं, तो उस किस्म की कारें बनकर निकले। एंड द वन कमिंग इन द वे ऑफ सेटिंग अप द फैक्ट्री इज वन करण सिंह चौहान। राजवीर फॉल्स इन लव विद अ गर्ल माधुरी, माधुरी यानी निधि सुबैया, लेकिन उन्हें तुरंत पता चलता है कि निधि सुबैया, दैट इज माधुरी, हेट्स रिच पीपल और इसलिए राजवीर माधुरी सिंह का दिल जीतने के लिए ही प्रिटेंड्स टू बी द वेरी पुअर सन ऑफ पुअर पेरेंट्स। खैर, उनका रोमांस प्रोग्रेस होता है और एक दिन माधुरी राजवीर से कहती है कि वो उनकी फैमिली से मिलना चाहती है, तो इसलिए वो घर जाकर अपनी फैमिली से कहते हैं कि आप सबको गरीब होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। वेल, दे ऑल शिफ्ट इनटू अ हट, एक हटमेंट कॉलोनी है, वहां पर एक झोपड़पट्टी में वो रहने लगते हैं फॉर दैट अपॉइंटेड डे जब माधुरी आने वाली है। और यहां पर रिवील होता है, जस्ट फॉर द ऑडियंस, नॉट टू राजवीर एंड हिज फैमिली, कि माधुरी ऑल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। उनके दो भाई है, जुड़वा भाई है, करण सिंह चौहान और अर्जुन सिंह चौहान, बोथ रोल्स प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, जो भोपाल में रहते हैं। और जब माधुरी सिंह भोपाल जाती है अपने भाइयों से मिलने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर, तब वहां पर शी टेल्स देम ऑफ हर डिजायर टू मैरी राजवीर। खैर, करण सिंह चौहान अर्जुन सिंह चौहान को कहते हैं कि तुम जाकर, मुंबई जाकर पता करो कि फैमिली जेन्यून है कि नहीं है, गरीब होंगे तो चलेगा लेकिन जेन्यून होनी चाहिए। तो माधुरी अर्जुन सिंह चौहान के साथ फिर मुंबई आती है और वापस वो पूरा ड्रामा राजवीर सिंह को करना पड़ता है, राजवीर सिंह और उनकी फैमिली को करना पड़ता है, टू प्रिटेंड टू बी पुअर। और इस बार उनके पिताजी यशवर्धन ग्रेवाल यानी दर्शन जरीवाला ऑल्सो इज मेड अ पार्ट ऑफ द ड्रामा एंड ही हैज टू प्रिटेंड टू बी अ केले वाला, केले बेचने वाला। तो ये ड्रामा चल रहा है तब माधुरी सिंह को पता चलता है कि राजवीर ने उन्हें झूठ कहा है एंड ही इज इन फैक्ट अ रिच पर्सन। तो उसके बाद क्या होता है, क्या माधुरी सिंह राजवीर को माफ कर पाती है, क्या राजवीर को पता चलता है कि माधुरी सिंह भी एक अमीर घराने की लड़की है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा। ये फिल्म एक तेलुगु हिट सरमत पकाय का रीमेक है। इसका स्क्रीन प्ले और इसके डायलॉग्स लिखे हैं मयूर पुरी ने। सबसे पहली बात तो ये कि द स्टोरी प्रिमाइस इज नाइस बट नॉट न्यू। इससे पहले सिंह इज किंग में भी एक हिस्सा हमने इसी तरह का देख लिया है, लेकिन इसमें ओरिजिनल कॉमेडी है एंड द स्क्रीन प्ले एज फार एज द कॉमेडी इज कंसर्न इज वेरी वेल रिटन। लेकिन जहां तक रोमांस का सवाल है, द रोमांटिक सीन्स आर क्वाइट डल एंड आई एम नॉट बीन हैंडल्ड टू वेल, दे हैव नॉट बीन स्क्रिप्टेड वेल इनफ। एक दो जगह इमोशनल सीन्स दिल को छूते हैं लेकिन वो इमोशंस भी उभर कर नहीं आए हैं। बट यहां पर कहना पड़ेगा कि 5-6 कॉमेडी सीन्स हैं जो बहुत ही मजेदार है। इन पर्टिकुलर वी मस्ट मेक मेंशन ऑफ द फर्स्ट सीन जब माधुरी सिंह पहली बार राजवीर की फैमिली से मिलने आती है एंड दे हैव शिफ्टेड इनटू द हटमेंट कॉलोनी। एंड खासकर राजवीर की मां का जो परफॉर्मेंस है, यानी किरण खेर का परफॉर्मेंस, इट विल ब्रिंग द हाउस डाउन विद लाफ्टर। कॉमेडी का जो सिलसिला शुरू होता है दैट इज अबाउट 35 मिनट्स आफ्टर द फिल्म स्टार्ट्स एंड जो पहले 30-35 मिनट्स हैं वो काफी स्लो भी है और काफी बोरिंग भी है। सो द स्क्रिप्ट इज गुड इन पार्ट्स बट बोरिंग इन पार्ट्स टू। मयूर पुरी के डायलॉग्स आर वेरी विटी एंड वेरी फनी एंड दे ब्रिंग द हाउस डाउन विद लाफ्टर एट सेवरल पॉइंट्स। जैकी भगनानी ने काम अच्छा किया है एंड इनफैक्ट उनका इनोसेंट चेहरा जो है, इट एड्स टू द कैरेक्टर ऑफ राजवीर। हिज डांसेस आर टू डाई फॉर, बेहद अच्छे डांसेस किए हैं एंड एवरी डांस दैट ही डज इट मेक्स यू सिट अप एंड टेक नोट। निधि सुबैया इज एवरेज एक्चुअली इस रोल में, द रोल ऑफ द हीरोइन। इस रोल में अगर एक लाइवलियर हीरोइन होती जो बहुत चुलबुली होती तो शायद बात बेहतर बनती। किरण खेर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उन्होंने काम बेहद अच्छा किया है एंड उनकी ओवर द टॉप कॉमेडी जो है दैट इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। दर्शन जरीवाला डज वेल,
उनके भी कुछ सीन्स हैं जहां पर आपको हंसी आती है, एंड उनके जो एक दो इमोशनल सीन्स हैं उन सीन्स में आपका दिल भराता है। अर्जुन रामपाल प्लेज अ ड्यूअल रोल करण सिंह चौहान एंड अर्जुन सिंह चौहान एंड मस्ट से दैट ही हैज डन जस्टिस टू बोथ द रोल्स टू बोथ द कैरेक्टर्स। मयूर पुरी हैज हिज मोमेंट्स, वो सरदार बने हैं, द कजिन ऑफ राजवीर, एज राजवीर भाभी अनुजा सचदेवा हैज हर मोमेंट्स एंड उनके भाई ने भी काम ठीक ठाक किया है। दैट लिटिल नीस इज क्वाइट क्यूट। देन देयर इज एरोल एज राजवीर फ्रेंड, यानी जैकी भगनानी के दोस्त की भूमिका निभाते हुए एरोल ने भी काम अच्छा किया है। अरशद वारसी के केवल दो सीन्स हैं, लेकिन दोनों सीन्स में वो ऑडियंस को बहुत बहुत ज्यादा हंसाते हैं। सो ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज अ वेरी गुड। फिल्म का निर्देशन किया है संजय गढ़वी ने एंड वाइल हिज डायरेक्शन इज गुड, द हैंडलिंग ऑफ द रोमांटिक सीन्स लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड। फिल्म का संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और सारे गाने अच्छे हैं। ऑफ कोर्स द बूम बूम सॉन्ग इज ऑलरेडी अ हिट, बहुत अच्छा गाना है, बहुत म्यूजिकल, बहुत मास अपीलिंग गाना है एंड इट्स ऑलरेडी अ हिट। एंड द अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो गुड, ऑल द सॉन्ग्स आर गुड, मेलोडियस है। फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं प्रिया पांचाल एंड कौजर मुनी ने एंड दे आर क्वाइट ओके। फिल्म की कोरियोग्राफी, डांसेस की कोरियोग्राफी की है बॉस्को सीजर ने और यहां पर कहना पड़ेगा कि सारे गानों की कोरियोग्राफी इज आई फिलिंग एंड एक्सेलेंट। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इन द बिगिनिंग इज अ लिटिल जारिंग, लेकिन उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया है। कैमरा वर्क चिरंतन दास का है और दैट इज आई फिलिंग। सेट्स अपर्णा सूद के हैं एंड दे आर ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। एडिटिंग भी काफी शार्प है। तो ओवरऑल अजब गजब लव इज अ गुड कॉमेडी। अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ सच गुड कॉमेडी, क्योंकि रोमांटिक पोर्शंस इतने वीक हैं एंड प्लस कहानी में वो नवीनता नहीं है, दिस फिल्म विल नॉट बी एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। ऑल इन ऑल द स्टार्ट इज नॉट अप टू द मार्क। दोस्तों भले ही इस हफ्ते तीन फिल्में रिलीज हुई हो, चक्रव्यूह, रश और अजब गजब लव, बट वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि दिस वीकेंड विल ऑल्सो बिलोंग टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कलेक्शंस, सेकेंड वीकेंड है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, सेकेंड वीकेंड के कलेक्शंस इन तीनों फिल्मों के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शंस से बेहतर होंगे कई जगहों पर, कई सेंटर्स में, कई सर्किट्स में।